प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आज हम सीखेंगे विश्वासी जूना करार के साथ क्या संबंध रख सकता है, जूना करार के साथ उनका क्या रिश्ता है। रोमियो की किताब 3 31 वचन पढ़ेंगे। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। हम व्यवस्था को स्थिर करते हैं, इसका मतलब क्या है? हम व्यवस्था के साथ संयमित हैं। हम व्यवस्था के साथ संयमित हैं। किन बातों पर? हम किसका व्यवस्था? मूसा का व्यवस्था, यानी जूना करार के साथ हम संयमित हैं। आज हम सीखेंगे कि हम जूना करार के साथ संयमित हैं किस विषय पर, किन किन बातों पे हम जूना करार के साथ संयमित हैं। क्या विश्वासी को उद्धार मिला है नया करार में? नया करार के द्वारा हमें उद्धार मिलती है। उद्धार पाने के बाद क्या हमको जूना करार के अधीन होना है? जूना करार के, पुराने करार के सब नियम का पालन करना है क्या? अगर हम पालन नहीं करेंगे हमारे ऊपर शिक्षा दंड गिर जाएगी? ये सवाल का जवाब हम ढूंढना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि पुराना करार या पहला करार या मूसा का नियम, इसका उद्घाटन कब हुआ, कैसे हुआ? ये जो पहला करार है, पुराना करार, मूसा का नियम, सिनाई पर्वत पर इनका उद्घाटन हुआ। हम देखते हैं कि पुराना करार आदम के जमाने में नहीं हुआ, इब्राहिम के जमाने में नहीं हुआ, याकूब के जमाने में नहीं हुआ, मूसा के समय में हुआ। अब्राहम से लेके मूसा तक 430 साल बीत चुके थे। मूसा का नियम आने से पहले परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि आपके वंश में मसीह आएगा, आपके खानदान में मसीहा जन्मेगा और उसके द्वारा संपूर्ण पृथ्वी पर परमेश्वर की आशीर्वाद आ जाएगी। तो नियम आने से पहले परमेश्वर ने ऑलरेडी वादा किया था इब्राहिम को कि आपके द्वारा पूर्ण पृथ्वी पर आशीर्वाद आ जाएगी मसीह यीशु के द्वारा। तो पुराना करार और नया करार के फर्क हम देखेंगे। हम देखते हैं कि पुराना करार मूसा के द्वारा आया और नया करार प्रभु यीशु के द्वारा आया। योहन्ना का किताब 1:17 हम पढ़ेंगे, John 1:17। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हम देखते हैं कि पहला करार, पुराना करार मूसा के द्वारा आया, नया करार प्रभु यीशु के द्वारा आया है। हम देखते हैं कि पुराना करार भी परमेश्वर की ओर से आया है, नया करार भी परमेश्वर की ओर से आया। पुराना करार के ऊपर भी परमेश्वर का अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया था, नया करार भी पवित्र आत्मा के द्वारा आया है। हम देखते हैं कि पुराना करार का उद्घाटन पवित्र लहू से हुआ, बकरे के लहू से हुआ। नया करार भी लहू से हुआ, प्रभु यीशु के लहू से हुआ। हम देखते हैं कि पुराना करार न्याय के बारे में
कहती है, नया करार भी न्याय के बारे में कहती है, पुराना करार परमेश्वर की धार्मिकता और सत्य के बारे में बताती है, नया करार भी हमें परमेश्वर की धार्मिकता और सच्चाई के बारे में बताती है। हिब्रानी की किताब 9:18-19, Hebrews 9:18-19। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। तो हम देखते हैं कि पहला करार, पुराना करार लहू के द्वारा उनका उद्घाटन हुआ, नया करार लहू के द्वारा उत्पन्न हुआ, लेकिन नया करार प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उत्पन्न हुआ। हिब्रानी 9:12। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हम देखते हैं कि ये प्रभु यीशु के बारे में कह रहा है कि नया करार प्रभु यीशु के लहू के द्वारा उनका उद्घाटन हुआ। अब हम एकता देखते हैं जूना करार और नया करार में, लेकिन एक फर्क देखते हैं। पुराना करार हम देखते हैं कि पुराना करार लोगों से कहता है कि आप जब आज्ञा पालन में चलोगे, धार्मिकता के स्थान पर पहुंचोगे, तब भी आपका उद्धार हो सकता है। पुराना करार लोगों कहता है कि आप धार्मिकता के द्वारा ही अनंत काल जीवन पा सकते हो। पुराना करार हमें धार्मिकता मुफ्त में नहीं दे सकता है, नया करार हमें धार्मिकता मुफ्त में देती है। नया करार में हमको धार्मिकता मुफ्त में मिलती है। रोमियो का 10:5। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा। मूसा का जूना करार कहता है कि जब तुम धार्मिकता में चलोगे, आज्ञा पालन से चलोगे, तब भी आप जीवित रहोगे, यानी आपको उद्धार मिल सकती है, आपको अनंत काल जीवन मिल सकता है, आपके कर्मों से, आपके चाल चलन से, आपके आज्ञा पालन से। गलती का राज 3:12। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। व्यवस्था को विश्वास से संबंध नहीं, इसका मतलब क्या है? व्यवस्था कोई सुविधा नहीं देता है लोगों को विश्वास, केवल विश्वास के द्वारा उद्धार पाना, केवल विश्वास के द्वारा उद्धार पाने का कोई सुविधा व्यवस्था नहीं देती है। व्यवस्था कहती है कि अगर आप आज्ञा पालन करोगे 100%, तो फिर आप जीवित रहोगे। उद्धार पाना आज्ञा पालन 100% करने से आपको मिल सकती है। तो पुराना करार का ऑफर कुछ अलग था, आदमी से डिमांड कर रहा था कि आपको 100% आज्ञा पालन करना है, और वो आज्ञा पालन से ही आपको उद्धार जीवन मिल सकती है। हम देखते हैं कि पुराना करार जब परमेश्वर ने नियम दिया लोगों को, तो वो नियम में क्या था? जब परमेश्वर ने नियम दिया लोगों को, नियम में लोगों को क्या दिखाई दिया? परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का मन, परमेश्वर का इच्छा, ये सब परमेश्वर के नियम में उनको दिखाई दिया। मानो
परमेश्वर की धार्मिकता अब लिखी हुई किताब में वो देख सके। जब वो पढ़ते थे उनको पता चलता था कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है, उसके दिल में क्या है, उसका इच्छा क्या है, पता चलता था जूना करार पढ़ने से। परमेश्वर ने यह कहा कि अगर आपको मेरे साथ रिश्ता करना है तो आज्ञा पालन करने से ही आप मेरे साथ रिश्ता कर सकते हो, मेरे करीब आ सकते हो। रिश्ता करना है मेरे धार्मिकता के स्तर से आप रिश्ता कर सकते हो। अगर आपको रिश्ता करना है पवित्र परमेश्वर के साथ तो जितना धार्मिक वो है उस स्तर पे आपको आना है, उसके बराबरी में आना है। अगर आप नहीं आओगे तो आपको और कुछ करना पड़ेगा, आपको बलिदान लाना पड़ेगा। लेकिन ये जानवर के बलिदान भी आपको अनंत काल की क्षमा नहीं दे सकती थी, सिर्फ आपके पाप को कवर करती थी। तो परमेश्वर ये दिखा रहा था कि अगर आपको रिश्ता करना है मेरे साथ तो आपको उस स्तर पे आना जरूरी है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि मूसा का नियम सिर्फ 10 था, सिर्फ 10 नियम नहीं थे। हम देखते हैं कि मूसा का नियम को हम 3 भाग में देख सकते हैं। एक है धार्मिक या धार्मिक नियम जिसको हम कहते हैं वो जो 10 आज्ञाएं हैं। बाद में नागरिक कानून नियम, यानी किस तरह नागरिकों का न्याय करना है, इज़राइल के नागरिकों का न्याय किस तरह करना है, इसको हम कहते हैं कि नागरिक नियम। और तीसरा चीज है रीति संबंध नियम, रीति रिवाज का नियम, यानी मंदिर को किसी तरह चलना आना, किस तरह त्यौहार चलाना, ये सब रीति रिवाज का नियम। तो न केवल धार्मिक नियम जिसको हम कहते हैं वो 10 आज्ञाएं, बाद में हम कहते हैं नागरिक कानून या नागरिक नियम, अगर किसी ने गलती किया है उसको क्या दंड देना है, क्या करना है, बहुत सारे नागरिकता की नियम। और बाद में रीति संबंधी नियम, रीति रिवाज, किस तरह त्यौहार मनाना है, मंदिर के जो कार्यक्रम है क्या करना है, किस तरह अलग अलग फेस्टिवल कैसा मनाना है, तो ये सब नियम थे। सब मिलकर 613 नियम थे, सब मिलकर 613 नियम थे। अगर कोई भी नियम का आज्ञा पालन न करे तो आपके ऊपर श्राप होता था, दंड होता था। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का नियम एकदम कठोर था, अच्छा था, पवित्र था, लेकिन आदमी रख न पाया क्योंकि आदमी में कुछ कमजोरी थी। और आदमी को यह हुक्म था कि उनको पूरा नियम पालन करना था। व्यवस्था विवरण 30:15 पढ़ेंगे, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 30:15। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। मूसा ने उनसे कहा, देखो ये जो नियम मैं देता हूं ये जीवन है, इसका पालन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीवन मिलेगा। हुक्म था कि ये पूरा नियम का उनको क्या करना, पालन करना था, पूरे नियम का पालन करना जरूरी था। यीशु भी कहता है नियम के बारे में, कुछ कहता है व्यवस्था के बारे में, यूहन्ना का 5वां अध्याय 39a पार्ट। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। जूना करार, पुराना करार, मूसा का नियम लोगों को अनंत जीवन कब दे सकती थी, जब वे 100% पालन करते थे।
अगर आप 100% का पालन करोगे तो जरूर आपको अनंत काल जीवन मिल सकती है, लेकिन इंसान 100% पालन नहीं कर सकता है क्योंकि इंसान के अंदर एक कमजोरी थी और ये कमजोरी है पापी स्वभाव। पापी स्वभाव के कारण परमेश्वर के नियम को इंसान नहीं रख सकता था। परमेश्वर ने ये जूना करार क्यों लोगों को दिया? सबसे पहले ताकि वे परमेश्वर के धार्मिकता सीखे और उसके साथ उस धार्मिकता के स्तर पर रिश्ता करे, उस धार्मिकता के स्तर से वो क्या करे, रिश्ता करे। परमेश्वर ने नियम इसलिए दिया ताकि पाप का भी खुलासा हो जाए। सबसे पहले उन्होंने दिया था कि परमेश्वर को जाने, उसके साथ रिश्ता करे। दूसरा उन्होंने दिया था कि पाप के जानकारी हो जाए। गलती करा तीसरा अध्याय 19 वचन, गलेशियन चैप्टर 3 वर्स 19। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे। क्यों दी गई? ताकि अपराधों के कारण, व्यवस्था आने से, मूसा का नियम आने से पाप का और खुलासा हो गया। जब नियम आती है तो लोगों को पता चलता है हम कितने पापी हैं। तो नियम एक जरिया था जिससे मनुष्य को पाप का जानकारी गहराई से उनको पता चला। रोमियो के किताब 3:19-20, रोमन्स चैप्टर 3:19-20। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के द्वारा, मूसा के नियम के द्वारा हमें पता चलता है कि हम कितने पापी हैं, हम कितने परमेश्वर से दूर है। पाप को और खुलासा करता है। रोमियो का किताब 5:13 हम पढ़ेंगे। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। जब व्यवस्था नहीं था तो पाप की जानकारी कम थी, लेकिन जब व्यवस्था आ गया या मूसा का नियम आ गया, तब लोगों को और गहराई से पता चला और पाप का जानकारी और बढ़ गया। रोमियो का किताब 5:20 पढ़ेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। व्यवस्था बीच में आया, यानी मूसा के समय में आया, बीच में आया, उससे क्या हो गया, पाप बढ़ गया, यानी पाप का जानकारी बढ़ गया। व्यवस्था क्या करता है, पाप को और खुला करता है और बताता है कि हम कितने पापी हैं, पाप को और खुला करता है। तो परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दिया था? ताकि हम उसके साथ रिश्ता करें, धार्मिकता के स्तर से हम रिश्ता करें। व्यवस्था के द्वारा पाप की जानकारी भी हो गई, पाप और खुलासा हो गया। तीसरी चीज है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर हमें धार्मिकता सिखा रहा था, हमें तैयार कर रहा था एक बड़े आशीर्वाद के लिए। व्यवस्था के द्वारा हम धार्मिकता सीख रहे थे और ये हमारा ट्रेनिंग था। व्यवस्था एक शिक्षक था,
एक टीचर हमें सिखा रहा था, तैयार कर रहा था एक बड़े आशीर्वाद के लिए, और वो आशीर्वाद प्रभु यीशु के द्वारा, नया करार के द्वारा आने वाला था। गलती करास 3:24, Galatians 3:24। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से डरमी तेरे। आमीन। तो हम देखते हैं कि व्यवस्था एक शिक्षक था, हमें धार्मिकता सिखा रही थी ताकि हम यीशु के करीब आ जाए। पूरे यहूदी देश को तैयार कर रहा था, इज़राइल को तैयार कर रहा था वो बड़े आशीर्वाद के लिए जो यीशु के द्वारा आने वाली थी। व्यवस्था विवरण 6:24-25, व्यवस्था हमें धार्मिकता सिखा रही थी। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करे तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। ये हमारे लिए क्या ठहरेगा? धार्मिकता। अगर हम सब नियम का पालन करेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा? धार्मिकता। तो परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा इसराइलियों को धार्मिकता सिखा रहा था, धार्मिकता सिखा रहा था, चाल चलन की धार्मिकता। रोमियो की किताब में लिखा है 7:12-14 में लिखा है कि व्यवस्था बहुत ही अच्छा है, पवित्र है। आइए हम पढ़ेंगे। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। 14 वचन पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। तो न केवल व्यवस्था पवित्र है, अच्छा है, धार्मिक है, आत्मिक भी है। तो व्यवस्था अच्छा है। अगर व्यवस्था अच्छा है तो फिर परमेश्वर ने ये अच्छा प्रोग्राम को चेंज क्यों किया? क्यों किया? वो अच्छा था, व्यवस्था अच्छा था। तो परमेश्वर ने ये पुराना करार को बाजू क्यों किया और नया करार को क्यों लाया? पुराना करार को निकालना किसका काम था? मनुष्य या परमेश्वर का काम था? आइए हम देखेंगे। परमेश्वर को पुराना करार बाजू रखना पड़ा और नया करार को ले आना पड़ा। रोमियो का 8:3। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हम देखते हैं कि व्यवस्था कमजोर थी। आदमी के शरीर में परिवर्तन ले आने के लिए आदमी का शरीर कमजोर था। किसके कारण? पापी स्वभाव के कारण। व्यवस्था तो परफेक्ट था, शक्तिशाली, पवित्र, लेकिन ये व्यवस्था, मूसा का नियम, पापी आदमी के दिल में परिवर्तन नहीं ला सका, क्योंकि मनुष्य शरीर में दुर्बल है, कमजोर है। इसीलिए परमेश्वर ने दूसरा प्रोग्राम किया, उसने अपने बेटा को भेजा, मानव शरीर धारण रूप में भेजा, और वो पवित्र जीवन जिया, और वो प्रभु यीशु पापी मनुष्य के लिए क्रूस पर मरा, मर के जी उठा। उन्होंने आत्मा भेजा और वो आत्मा लोगों के हृदय में जाकर परिवर्तन ले आया।
जो व्यवस्था नहीं कर सकती थी हमारा पिता परमेश्वर ने यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य के दिल में किया। उनका नियम हमारे हृदय में रखा। जो हम शरीर में नहीं चलते हैं आत्मा के पीछे चलते हैं, परमेश्वर ने वो किया। हिब्रानी की किताब 7:19 इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। पुराना करार व्यवस्था किसी को स्थिर नहीं किया, यानी जो परमेश्वर के पास आ रहे हैं उनको परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं कर पाया, स्थिर यानी निर्दोष नहीं कर पाया, धार्मिक न कर पाया। लेकिन हम देखते हैं कि एक नई आशा जो नए नियम के द्वारा, नए करार के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा आया है, वो हमें मदद करता है ताकि हम परमेश्वर के नजदीक आ सके। नया करार के द्वारा हम परमेश्वर के समीप, परमेश्वर के करीब आ सकते। पुराना करार के द्वारा हम नहीं आ सकते थे, हमारा और परमेश्वर के बीच में दूरी थी। नया करार के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, अब वो दूरी मिट गई है। इब्रानी का किताब 8:7 हम पढ़ेंगे 7-8। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। वाचा में गड़बड़ नहीं था, लोगों के में गड़बड़ था। दोष किसमें थे? लोगों में। परमेश्वर का वाचा सही था, पवित्र था, लेकिन लोगों के कमजोरी के कारण परमेश्वर ने कहा कि अब मैं एक नया वाचा बनाऊंगा ताकि लोग मेरे करीब आ सके। नया वाचा बनाने का निर्णय परमेश्वर के ओर से आया। क्यों? क्योंकि आदमी उसके पहले वाचा को नहीं रख पाया, इसीलिए परमेश्वर ने वो निर्णय किया कि अब मैं आपके साथ एक नया करार करूंगा जिसके द्वारा आप मेरे और करीब आ सकते हो। इब्रानी की किताब 8:13 नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। हम देखते हैं कि नया करार आने से पुराना करार मिट गया है, ये परमेश्वर कहता है। हिब्रानी की किताब 10:9 फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। ये पहला और दूसरा क्या है? पहला करार और दूसरा करार, यानी पहला करार को वो बाजू करता है और वो नया करार को क्या करता है? दूसरा करार को स्थापित करता है। पौलुस एक उदाहरण देता है बाइबल में, रोमियो की किताब में, कि अगर एक स्त्री है, उनका पति है, अगर वो पति मर गया, मरने के बाद वो शादी कर सकती है। अगर वो शादी किया तो कानून के खिलाफ नहीं है। और वो एक उदाहरण देता है पुराना करार, एक पति है जो मर गया है, नया करार पे हमको एक रिश्ता मिला है प्रभु यीशु के द्वारा। तो हम जैसा पति मर गया है और हम शादी कर सकते हैं, अभी हमारा रिश्ता हुआ है प्रभु यीशु के द्वारा। किधर लिखा है?
रोमियो की किताब 7वां अध्याय और 4 और 6 पढ़ेंगे, 4 चौथा वचन और 6वां वचन पढ़ेंगे। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसी छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। अभी हम छुटकारा पाए हैं व्यवस्था से। व्यवस्था से हम क्या पाए? छुटकारा पाए किसके कारण? प्रभु यीशु के क्रूस के कारण। गलती करास 4वां अध्याय 24 और 25 में लिखा है कि इब्राहिम को 2 औरतें थे, एक है हगार या हजीरा और दूसरा है सारा। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि सारा के द्वारा प्रभु यीशु जो आने वाला है मसीहा, वो लाइन से आएगा। और ये जो हगार को उन्होंने कहा कि ये दासी है, तो बाइबल पे तुलना किया गया है कि ये 2 करार है। सारा को अगर हम देखेंगे, उसका बेटा आइजैक, तो हम ये तुलना करेंगे कि ये स्वतंत्र पुत्र है, ये नया करार है, नया करार का तुलना है। और हगार को हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये पुराना करार जो बंधन में है, जो लोग बंधन में है। गलती करास 4वां अध्याय 24-25। इन बातों में दृष्टांत है, यह स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। एक तो सिनै पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हजीरा है, और हजीरा मानो अरब का सिनै पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। तो हम देखते हैं कि पुराना वाचा के लोग दासत्व में है, हगार के जैसा दासत्व में है। पुराना करार के बारे में और कुछ कहता है बाइबल में, लिखा है कि वो एक छाया मात्र है। छाया मात्र क्या है? छाया मात्र, आने वाले चीज का छाया मात्र, एक शैडो। हिब्रानी की किताब 10वां अध्याय 1वां वचन, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक की प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूनिक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। प्रतिबिंब का मतलब कोई दूसरे ट्रांसलेशन में हम देखेंगे लिखा है कि छाया मात्र, आने वाले चीजों का क्या है? छाया मात्र। और वो जितने भी बलिदान चढ़ाए लोगों को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। कलोसी करास 2वां अध्याय 17वां वचन, कलोशियन चैप्टर 2 वर्स 17, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है पर मूल वस्तुएं मसीह की है। हम देखते हैं कि जो कुछ त्योहार यहूदी लोग मनाते थे, चांद का त्योहार, जो कुछ पवित्र दिन, ये सब एक छाया थे। किसका छाया? प्रभु यीशु, नया करार का छाया। तो हम देखते कि पुराना वाचा को छाया के जैसा तुलना किया है, मरा हुआ पति के जैसा तुलना किया है, पुराना करार को मृत्यु का वाचा का तुलना किया है। 2 कुरिन्थियुस 3:7। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्रों पर खोदे गए हैं
यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर जो तेज के किरण जो घटता भी जाता है। मृत्यु का वाचा, जूना करार को, पुराना करार को मृत्यु का वाचा कहा गया है। दूसरा, जूना करार को दोष ठहराने वाला वाचा भी कहा है। दूसरा कोरिंथी तीसरा अध्याय नवा वचन, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाले वाचा तेजमय थी तो धर्मी ठहराने वाले वाचा और भी तेजमय क्यों न होगी। तो दोषी ठहराने वाला वाचा पुराना करार और धार्मिक ठहराने वाला वाचा, ये कौन सा वाचा है? नया करार। तो हम देखते हैं कि ये पुराना करार को दोषी ठहराने वाला वाचा ऐसा कहा गया है। दूसरा कोरिंथियंस तीसरा अध्याय 11 वचन, सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 3 वर्स 11, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। जूना करार का वाचा घटता हुआ यानी धीरे धीरे चलते जाने वाला था। दूसरा कोरिंथी तीसरा अध्याय 13 वचन, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखे। घटने वाले तेज को अंत तक न देखे, अंत न देखे। तो हम देखते हैं कि ये पुराना करार में तेज थी लेकिन वो तेज घटने वाली थी। अब हमको मिला है नया करार का वाचा और हम नया करार के वाचा में हैं। ये नया करार के वाचा के द्वारा हमें और अच्छा वादा ही मिलती है और अच्छी आशा हमें मिलती है और बड़े आशीर्वाद हमें मिल जाता है। नया करार, ये नया करार का वाचा यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्घाटन हुआ है। इस नया करार के वाचा के द्वारा हमें धार्मिकता मिलती है, हमें न टूटने वाली रिश्ता मिलती है, हम न डरते हुए पिता के पास आ सकते हैं। इस नया करार के वाचा के द्वारा परमेश्वर हमें अपनाता है, हम अपनाए गए हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हो चुके हैं। किसके कारण? नया करार के वाचा के द्वारा हम उसके लहू के कारण शुद्ध हो चुके हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि नया करार का वाचा बहुत ही अच्छा वाचा है और परमेश्वर ने निर्णय किया कि मैं ये वाचा का उद्घाटन करूं और सबको ये बताओ। आज हमारा काम है लोगों को इस नए वाचा में ले आना, नया करार। ये याद रखो कि हम पुराना करार के वाचा से मुफ्त हो गए, फ्री हो गए, ताकि हम नया करार के वाचा के आधीन हो जाए। आज मैं खत्म करता हूं एक भाग, अगले संडे हम उसका दूसरा भाग सुनेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं उस नए वाचा के लिए। हम धन्यवाद देते प्रभु तेरे वाचा के कारण हम धार्मिक हो चुके हैं। हम धन्यवाद देते कि आप हमारे लिए क्रूस पर मरे, पापों का दंड भर दिए, पवित्र लहू बहाए, मर के फिर से जी उठे। तेरे मरने और जी उठने से हमें अनंत काल क्षमा मिली है, न टूटने वाली रिश्ता मिली है। हमारे दिल में जो डर था वो अभी नष्ट हो गई है। हम मृत्यु से अनंत काल जीवन में दाखिल हो चुके हैं। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते, हर एक आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देते, उस नए करार के लिए धन्यवाद देते। प्रभु तेरा आशीर्वाद सभी के ऊपर, सबको तेरे करीब तेरे नजदीक रख। तेरे नाम को उठाते तुझे धन्यवाद देते, यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते, आमेन। आखिरी आशीर्वाद, परमेश्वर तेरा प्रेम, प्रभु यीशु तेरा अनुग्रह, पवित्र आत्मा तेरी सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए रहे, आमेन एंड गॉड ब्लेस यू।